₹2 कटा के देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल सकती है भाई। सो भाई फाइनली अभी बस से उतरे हैं, ये आ गए अपन लोग थोड़ा रनवे के पास में। अभी जो टेक ऑफ होगा ना, कोई म्यूजिक नहीं डालेंगे, एकदम रॉ रहेगा साउंड। और साथ में ये मील्स वगैरह भी इस तरीके से, अगर आप प्री बुक वगैरह करोगे चाय पीने का, 733 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ये भी अलग ही मजा है। ग्वालियर का एयरपोर्ट पूरा बन गया। अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट पर, केम्पे गोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। और आज यहां से हम लोग अपनी लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट जर्नी करने वाले हैं बेंगलोर से ग्वालियर के लिए। वैसे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, हैदराबाद पे लगभग 40 मिनट का अपनी फ्लाइट का स्टॉप दिया हुआ है। तो यहाँ से बेंगलोर से हैदराबाद लगभग 570 किलोमीटर, उसके बाद हैदराबाद से ग्वालियर लगभग 1200 किलोमीटर, टोटल 1770 किलोमीटर की ये पूरी फ्लाइट जर्नी होने वाली है। और जिस एयरलाइन के साथ होने वाली है वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि एयर इंडिया की ही सब्सिडरी कंपनी है। वैसे एयर इंडिया का ही है एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन। और इसमें आज हमारा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है, देखते हैं कैसा है। और साथ ही हम लोगों की ये डोमेस्टिक सबसे लंबी जर्नी होने वाली है, लगभग 1770 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे 3 घंटे के समय में। और भाई साहब ये एयरपोर्ट जबरदस्त है ही, टर्मिनल 2 है ये केम्पे गोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का। तो चलो यहाँ से इस खूबसूरत एयरपोर्ट से अपनी लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो ये है अपना बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 बाहर से, तो भाई साहब इतना सुंदर है, तो अंदर से सोचो कैसा होगा। यार चलो फटाफट अभी जो है एंट्री वगैरह करते हैं, चलते हैं अंदर, और बाकी फिर अंदर से भी आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट कैसा है। यहाँ से अभी हम लोग बस एंटर हुए हैं एयरपोर्ट पर, और भाई साहब ये है एंटर होते ही ज़बरदस्त व्यू, और क्या ज़बरदस्त बनाया हुआ है ये एयरपोर्ट का टर्मिनल 2, देखते ही मज़ा आ जाएगा। मतलब क्या 5-7 स्टार होटल्स होंगे, सबको फेल करता हुआ ये टर्मिनल 2 बनाया गया है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी इसी प्रकार का आपको बहुत ज़बरदस्त व्यू देखने को मिलेगा इस एयरपोर्ट का। सामने है एयर इंडिया एक्सप्रेस के काउंटर्स, फटाफट चलते हैं अपना ये चेक इन बैगेज वगैरह दे देते हैं। वैसे बोर्डिंग पास तो ऑनलाइन निकाल लिया था, अब देखते हैं आगे जो भी प्रोसेस है निपटाते हैं फटाफट। तो ये लो भाई, अपन को अपना एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोर्डिंग पास मिल गया है, और चलो अब चलते हैं डोमेस्टिक डिपार्चर्स की तरफ। मात्र 25 मिनट में भाई सारा काम निपट गया, बोर्डिंग पास मिल गया, एंट्री हो गई थी एयरपोर्ट पे, और साथ ही अभी सिक्योरिटी भी निपट गई बहुत ही आराम से, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, काफ़ी बड़ा टर्मिनल है और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो फटाफट सारी चीज़ें हो गई। और पीछे देख रहे हो सिक्योरिटी कराओगे, और सिक्योरिटी से जैसे ही निकलोगे आप टर्मिनल 2 पे, तो ये इस तरीके का वाटरफॉल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, अभी तक आपने एयरपोर्ट देखा ही, इतना कुछ दिखा चुके हैं भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। सुबह सुबह का टाइम है, सारे काम निपट गए हैं, अभी भी अपनी फ्लाइट में लगभग 2-2.5 घंटे का समय है। तो चलो भाई अब थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ के लॉन्ज में, देखते हैं कैसी क्या व्यवस्था है। वैसे हमारे पास जो कार्ड है वो यहाँ पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ₹2 कटा के देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल सकती है भाई लॉन्ज में बेंगलोर टर्मिनल 2 के, क्योंकि यहाँ पर क्या व्यवस्था होगी क्या नहीं ये देखने वाली बात है। दिल्ली के एयरपोर्ट पर तो हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, बट यहाँ का अब एक्सप्लोर करना बनता है। तो अभी ₹2 की पेमेंट करके फटाफट आ गए लॉन्च के अंदर, बाकी ये ₹2 में अपनी एंट्री हो गई है। वैसे हमारा जो कार्ड है ना उस पर ऐसा सिस्टम है कि बड़े बड़े जो भी एयरपोर्ट्स हैं ना डोमेस्टिक स्पेशली, उन सब पे लगभग ये हमारा कार्ड चल जाता है, तो इससे एंट्री हो गई। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अभी ये कुछ रूल चेंज हुए हैं यहाँ पर जो लॉन्जेस हैं इधर पे एयरपोर्ट पे, इनमें रूल जो चेंज हुआ है वो ये है कि जैसे कि कार्ड होता था पहले, आप मान लो किसी और के कार्ड से भी एंट्री कर रहे हो जाती थी, लेकिन अभी क्या हो गया है बोर्डिंग पास आपका चेक किया जाएगा, उस पर नाम मेंशन जो होता है वो नाम, और जो कार्ड आप देख रहे हो उसमें जो डिटेल में ट्रांजेक्शन डिटेल में जो आ रहा है नाम वो मैच किया जाएगा। अगर मैच नहीं होगा तो फिर आपको एक्सेस नहीं मिलेगा लॉन्च का, अगर मैच होगा तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब अगर आप आ रहे हो तो आपका खुद का कार्ड होना चाहिए, दूसरे का कार्ड होगा तो फिर एंट्री मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब मिलेगी ही नहीं। बाकी ये है अंदर से यहाँ का लॉन्च भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त बना है, ये भी बहुत ज़बरदस्त बना है, मतलब जो भी चीज़ें हैं तो सारी ज़बरदस्त। वैसे यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह का ऑप्शन है, और आगे ब्रेकफास्ट वगैरह चल रहा है, तो चलो जाते हैं देखते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह में क्या है। वैसे बफेट चलता है यहाँ पर ब्रेकफास्ट का, तो अभी ब्रेकफास्ट में यहाँ पर काफ़ी कुछ ले लिया, एक तो है ये अपना तवा पराठा, साथ में छोले है, और ये है बेबी रोस्टेड पोटैटो, साथ में ये अपना बनाना केक है, और काजू है, और थोड़ा सा ये पोहा जैसा कुछ है, अभी साउथ इंडियन ही है कुछ डिश,
लेकिन पोहा जैसा ही है कुछ, तो हमने थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें ले ली हैं, हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं बस, ज़्यादा तो क्या ही खावे करते टाइम। टाइम देख लो अभी सुबह का बज रहा है 7:17 और उजाला तो बाहर हो ही गया, बस कुछ ही देर में अब हम लोगों की बोर्डिंग भी स्टार्ट होने वाली है। लाउंज से निकल के आ गए हैं यहाँ पर गेट्स की तरफ में। आज जो अपना गेट है, बोर्डिंग गेट है, वो है D23। वैसे जो अपना लॉन्च था ना, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे खाने पीने की, हमने काफ़ी चीज़ें आपको दिखा दी थी, उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह भी थे और कॉफ़ी वॉफ़ी ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी, बट ज़्यादा हमको खाने नहीं था, थोड़ा बहुत खाया भी निकल आए। चलो अभी चलते हैं, देखते हैं भाई बोर्डिंग का क्या सीन है, स्टार्ट होने वाली है बस कुछ ही देर में अपनी बोर्डिंग। अभी देखो सुबह का 7:25 हो गया है और अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी जोन 1 की बोर्डिंग हो रही है, उसके बाद जोन 2 में हमारा टिकट है, तो जोन 2 की बोर्डिंग होगी, इसके बाद मतलब जोन वाइज होती है बोर्डिंग। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है अपनी, भाई अपनी बस आ गई है, इसी से चलेंगे हम लोग फ्लाइट के पास में। तो भाई फाइनली अभी बस से उतरे हैं, ये आ गए अपन लोग थोड़ा रनवे के पास में जहाँ सारी फ्लाइट्स खड़ी रहती हैं, और ये रही आज की अपनी फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की। चलो चलते हैं फटाफट करते हैं बोर्डिंग, दिखाते हैं कौन सी सीट है आज अपनी। तो बस एंटर हुए हैं, एंटर होते ही यहाँ पर कुछ सीट्स हैं बिजनेस क्लास की, उसके बाद अपनी इकॉनमी क्लास है आगे, ये आगे अपना इकॉनमी क्लास, इसमें आज हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। 3x3 का यहाँ पर जो है सिटिंग अरेंजमेंट है और लगेज स्पेस ऊपर की साइड में। चलो सीट है आज अपनी 16A, आगे की साइड में है थोड़ा सा। सुबह का भी 8:18 हो रहा है और हम लोग तैयार हैं यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए, मतलब लगभग 8:18 अपना डिपार्चर हो रहा है बेंगलोर से। तो भाई लास्ट जब कजाकिस्तान गए थे तो आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई जो टेक ऑफ वगैरह है ना वो बिल्कुल रॉ सुना, उसमें कोई म्यूजिक नहीं डालो। तो चलो अभी जो टेक ऑफ होगा ना कोई म्यूजिक नहीं डालेंगे, एकदम रॉ हो रहेगा साउंड, तब साउंड सुनना आप कैसा लगेगा। अभी फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है और अभी आपको हमने स्पीड भी दिखाई थी करंट, मतलब जब टेक ऑफ हो रही थी तो लगभग जब 290 किलोमीटर/आवर की स्पीड टच कर जाता है प्लेन तब जाके टेक ऑफ होता है, समझ लो भाई। जबरदस्त एक्सपीरियंस था, एकदम रॉ फुटेज थी, रॉ साउंड था, कैसा लगा एक कमेंट जरूर बताना। बाकी टाइमिंग्स की बात कर लें अब इस फ्लाइट की, तो सुबह 8 का जो है इसका डिपार्चर टाइम था और ग्वालियर में जो लैंडिंग टाइम है इस फ्लाइट का वो है सुबह का 11:25 का, मतलब लगभग 3:25 का ये फ्लाइट का ड्यूरेशन दिया हुआ है, लेकिन जिसमें कि 40 तो हम लोग हैदराबाद में रुकेंगे। ये मतलब ऐसी हमारी पहली जर्नी हो रही है फ्लाइट की, इसमें हम 2 टेक ऑफ करेंगे और 2 लैंड करेंगे। अभी हम लोग चले हैं, लगभग 1 में आएगा हैदराबाद, हैदराबाद में लैंड होंगे, वहाँ 40 रुकेंगे, उसके बाद वापस से टेक ऑफ करेंगे ग्वालियर के लिए। अपने फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही अभी ये जो है 250 ml की वाटर बॉटल सभी पैसेंजर को सर्व कर दी गई है और ये कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, आप और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके लिए। तो बाकी चलो आज की हम सीट दिखा दें, सीट नंबर तो हमने बता दिया था 16A है और इधर इसमें सीट पे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है, लेग रूम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैगजीन सॉकेट वगैरह है और यहाँ पर आप अपना कप वगैरह रख सकते हो, कोई भी बेवरेजेस वगैरह अगर आप पी रहे हो चाय कॉफ़ी, तो यहाँ पर कप वगैरह रखने का है होल्डर और साथ ही में स्नैक्स ट्रे भी अवेलेबल है यहाँ पर। इस तरीके से स्नैक्स ट्रे खोल के आप कोई भी स्नैक्स वगैरह वो भी कर सकते हो, साथ में यहाँ पर काफ़ी सारी गाइडलाइंस वगैरह जो भी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैनुअल वगैरह भी लगा हुआ है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। ये तो खैर सभी फ्लाइट में रहता ही है सेम एकदम, और ऊपर की साइड में AC लाइट्स, रीडिंग लाइट और क्रू अटेंडेंट बटन, ये सारी फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी सभी फ्लाइट्स में, जैसे कि होता है ये तो सब में सेम ही होता है।
बाकी आज की अपनी सीट तो अभी तक समझिए होगी, बिल्कुल विंग के जस्ट ऊपर वाली ही सीट अपनी है। करंट स्पीड देख लो अभी अपने प्लेन की चल रही है 713 किलोमीटर पर आवर की, भाई साहब तगड़ी स्पीड अभी मेंटेन कर ली है अपने फ्लाइट ने। इकोनॉमी क्लास है लेकिन यहाँ पर आपकी सीट्स वगैरह रिक्लाइन हो जाएगी, सभी प्लेन्स में रहता है थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है, और इसमें तो लेग रूम वगैरह भी सही है। देखो अभी रिक्लाइन करके भी नॉर्मल पोजीशन पे अपनी सीट अब रिक्लाइन करके दिखाते हैं। यहाँ पर बटन दिया हुआ है एक छोटा सा पुशबैक के लिए, उसको दबाया और ये इतना जो है पुशबैक हो गया, काफ़ी सही स्पेस है। देखो मस्त ऐसे आराम से बैठ के काफ़ी लंबी जर्नी भी आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है फ्लाइट की, मतलब इसमें स्पेस के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले हमने अकासा एयर में ट्रैवल किया हुआ था, उसमें तो भाई साहब पैर ही हमारे आगे वाली सीट में घल रहे थे, उसमें इतनी अच्छी स्पेस देखने को नहीं मिली थी, लेग रूम वगैरह उतना सही नहीं था, लेकिन इसका बढ़िया है। और इसका मतलब जो रिक्लाइनिंग है ना ये भी अच्छी है, उसकी रिक्लाइनिंग भी थोड़ी कम थी, सही है भाई। वैसे ये जो फ्लाइट है ये एयर इंडिया के अंडर में ही आती है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, लेकिन इसमें जो सर्विसेज वगैरह है ना वो एयर इंडिया जैसी नहीं है, जैसे एयर इंडिया विस्तारा में रहता है कि सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री टिकट में ही इंक्लूड होती हैं तो आपको सर्व किया जाता है सभी पैसेंजर को, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस में ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ भी लेना है तो पहले से एड ऑन करना होगा जब आप वेब चेक इन वगैरह कर रहे हो तब, या फिर यहाँ पर फ्लाइट में पेमेंट करके खरीदना होगा। यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस में वैसी सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेगी जो एयर इंडिया में मिलेगी। एयर इंडिया से हम लोगों ने ट्रैवल किया था श्रीलंका से इंडिया, तब हमने उसकी सारी सर्विसेज वगैरह दिखाई थी किस तरीके से था, और बहुत बढ़िया लगा हमें तो, सब कुछ सही था। उसका भी विस्तारा ट्राई करना रह गई है, खैर वो भी करेंगे कभी, उसमें विस्तारा की एयरलाइन विस्तारा एयरलाइन में भी कभी ट्रैवल करेंगे, उसका भी एक्सपीरियंस करना है, वो भी सुना है बहुत बढ़िया और प्रीमियम एयरलाइन है। खैर अभी बात करते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस का, तो हमने क्या है कि अपने वेब चेक इन में क्या हुआ, हमसे गलती से एक रोल टाइप का कुछ था वो ऐड हो गया, अब वो हटे नहीं, हमको विंडो सीट भी चाहिए थी तो वेब चेक इन हमें ऑनलाइन करना ही पड़ा, विंडो सीट के चक्कर में सीट का हमने एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ पे किया है भाई विंडो सीट का इस चक्कर में, फिर वो भी हो गया हमारा चेक इन, और मतलब पता नहीं क्या एरर हुआ क्या नहीं, वो 500 रुपये का 200 रुपये में ऐड हो गया, ठीक है, तो टोटल हमें 500 रुपये सीट का मिला के पे करना पड़ा अलग से। वैसे हम आपको लगे हाथ फ्लाइट का फेयर भी बता दें, 6,500 का फ्लाइट का फेयर था, 500 रुपये वो, तो 7,000 रुपये फेयर पे किया है हमने बैंगलोर से ग्वालियर तक का इस फ्लाइट का। तो अभी इस फ्लाइट में जो भी लोगों ने पे किया हुआ है ऑलरेडी उन लोगों को सर्व किया जा रहा है खाने पीने की चीज़ें, तो अभी अपना भी आ गया है, चलो हम आपको दिखा देते हैं। बाकी मेन्यू कार्ड भी आपको इस फ्लाइट में मिल जाएगा, पहली बार देख रहे हैं मेन्यू कार्ड वगैरह रखा हुआ फ्लाइट में, चलो ये सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। पर जो है एक मेन्यू कार्ड ऑलरेडी रखा हुआ है और इसमें airindiaexpress.com ये सब लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप मेन्यू वगैरह भी चेक कर सकते हो इनका क्या क्या है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन अब वही है कि अभी फ़्लाइट में अगर आप ये सब लेना चाहते हो तो इसमें लिखा है 200 रुपये, 200 रुपये में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, रोस्टेड आलमंड्स, कैश्यू, मखाने और रेडी टू ईट वाला खाना है 300 रुपये में, नूडल्स वगैरह है ये भी 300 रुपये में, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब आप पूरा मेन्यू कार्ड इनका देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी लेना है उस हिसाब से। यहाँ पर बेवरेजेस वगैरह भी मिल जाएंगी आपको, ये है 150 रुपीज़ की, कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना चाहते हो, पेपर बोट है या कोका कोला है, और चाय कॉफ़ी भी यहाँ पर मेंशन है, ये भी पिक एनी 150 रुपये की। अब देखते हैं जिंजर टी ट्राई करेंगे फ्लाइट की, अभी तक जिंजर टी हमने ट्राई नहीं करी है, देखेंगे कैसी होने वाली है, अगर सही रहा तो जिंजर टी ट्राई करेंगे इस फ्लाइट की, ये 150 रुपये की मिल जाएगी। और साथ में ये मील्स वगैरह भी इस तरीके से अगर आप प्री बुक वगैरह करोगे तो ये भी अवेलेबल रहती है, ये भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सभी के रेट वगैरह भी लिखे हुए हैं। अभी जो अपन ने रोल मंगाया हुआ है ये शायद ये वाला रोल है, देखते हैं ये वाला है कि नहीं है। तो हॉट मील्स का रेट भी लिखा हुआ है यहाँ पर 600 रुपये, तो ये हो गया इनका मेन्यू कार्ड। चलो अब जो अपने पास सर्व हुआ है उसको देख लिया जाए, तो यहाँ पर अपने पास जो सर्व हुआ है एक तो ये फ्रूटी है, टिश्यू पेपर दिया है, और साथ में ये हर्ब रोस्ट वेजिटेबल रोल, ये रोल दिया हुआ है।
तो भाई अभी हमने स्टाफ को बोल दिया था कि ये जो रोल है इसको गर्म करके दे दो, ये एकदम ठंडा था, ठंडे में कैसे बेकार लगता है एकदम, क्योंकि एक बार और हम लोगों ने खाया हुआ है। हम और मोनू भाई ट्रैवल कर रहे थे, एयर एशिया की फ्लाइट थी, दिल्ली से विशाखापट्टनम जा रहे थे, तब हम लोगों ने ऐसे ही ठंडा खा लिया था, कुछ बोला नहीं, तो भाई बहुत बेकार लगा था, फिर वो मज़ा नहीं आया था, इसलिए अभी गर्म करवा लिया, इसको ट्राई करते हैं। वैसे जो स्टाफ था कहते 15-20 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं, हम तो जा रहे हैं ग्वालियर तक, आराम से करके दे दो, ऑप्शन है भाई, तो फिर क्यों दे रहे हो ठंडा, जबकि अभी तक जितनी भी फ्लाइट्स में जो भी खाना वगैरह हमने खाया है, मतलब जो भी प्रीमियम फ्लाइट्स थी, सब में गर्मा गर्म सर्व करते हैं, एटलीस्ट इतना तो करते हैं कि एकदम चिल्ड ना हो, ये तो बिल्कुल चिल्ड हो रहा था। टेस्ट ठीक है एकदम, जो ब्रेड है ना इसकी एकदम क्रंची है, तो टेस्ट ओवरऑल सही है भाई। इस ट्रेन में वैसे अगर मील वगैरह और कोई वैसे ही सर्व करते तो और ज़्यादा बढ़िया रहता, बट यही रोल वगैरह था, पता नहीं हमने ऑर्डर करते टाइम वो गड़बड़ हो गया ना, ये तो जबरदस्ती का होता, नहीं तो हम करते ही नहीं इसको तो ऑर्डर। अभी अपनी करंट स्पीड देख लो, 480 किलोमीटर पर आवर की लगभग चल रही है, और अभी तक हम लोग 400 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, 700 से 480 के लगभग स्पीड गिर गई है, क्योंकि अभी हम लोग लैंड करने वाले हैं हैदराबाद में। यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, तो प्लेन अपना बहुत ज़्यादा हिल रहा है टाइम भाई, ऊपर नीचे क्लाउडी वेदर होने की वजह से, देख रहे हो आगे साइड पूरा क्लाउड्स ही क्लाउड्स है, जबकि एल्टीट्यूड काफ़ी गिर गया है। विंग के इस साइड देखो, पीछे की साइड तो यहाँ पर लैंड दिख रहा है, ज़मीन दिख रही है, लेकिन इस साइड से नहीं दिख रहा है। फाइनली हम लोग ये पहुंच चुके हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। सो राइट, एक घंटे में हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, पहला क्या मतलब एकमात्र स्टॉप पे हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे यहाँ पर अपना जो है 40 मिनट के आसपास का स्टॉप दिया हुआ है, अब देखते हैं कितनी देर तक रुकती है फ्लाइट अपनी। लगभग 9:30 पे यहाँ पर अपन आए हैं, और 40 मिनट के हिसाब से 10:10 पे अपन को यहाँ से निकलना चाहिए भाई। देखते हैं भाई कितनी देर रुकती है नहीं रुकती है, यहाँ भी कई पैसेंजर उतरेंगे और कई जाएंगे ग्वालियर, और भी पैसेंजर शायद बोर्ड करें यहाँ से, ये हिसाब किताब है। ये चीज़ हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेओवर तो एक बार हमने किया हुआ है, तो उसमें बहुत झंझट हो जाता है, उतरना पड़ता है, फिर फ्लाइट चेंज करो, और अगर टर्मिनल चेंज हो गया तो फिर तो ऐसी वैसी भाई साहब फिरते रहो। ऐसा एक बार हमने किया हुआ है दिल्ली में, वो भी टर्मिनल चेंज करके फ्लाइट जर्नी, वो एक्सपीरियंस भी कभी आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो वगैरह वैसा बनाएंगे और वो भी शेयर करेंगे। अभी फिलहाल तो यहाँ पर 40 मिनट का हॉल्ट है। बच्चों के लिए केवल एक डोरी कीजिए। तो अभी देखो दिन का 10:42 हो गया, और अब जाके अपना यहाँ से टेक ऑफ के लिए भी प्लेन निकला है, डिपार्चर हो रहा है हैदराबाद से, जबकि यहाँ पर 40 मिनट का स्टॉप था, लेकिन अपना प्लेन 1:10 यहाँ पर लगभग रुका है। अब जाके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं लगभग आधा घंटे देरी से।
टेक ऑफ अपना हो गया है, अपन एक अच्छी हाइट पे भी पहुंच चुके हैं। बाकी ये लो अभी फिर से टेक ऑफ हुआ, फिर से डिपार्चर हुआ, तो एक बार और 250 ml की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है सभी पैसेंजर्स को। अभी एक चीज़ तो हमने इस फ्लाइट में ऑब्जर्व की है, क्या है कि ये जो प्लेन है ना, ये है बोइंग 737 MAX, और यही सेम प्लेन था अकासा एयर में जो कुछ टाइम पहले हमने ट्रैवल किया था। तो उसमें भी क्या हुआ, जब लैंडिंग होती है ना तो नॉर्मल जो प्लेन्स होते हैं उनमें क्या होता है, कानों में एक दर्द सा हो जाता है और थोड़े टाइम के लिए कान जो है बंद हो जाता है, मतलब सुनाई कम पड़ता है इससे। बट उसमें भी ऐसा नहीं हुआ था, और इसमें भी अभी हम लोग हैदराबाद में लैंड हुए ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो अभी नए प्लेन्स आ रहे हैं ना बोइंग के, ये ज़बरदस्त है भाई, इनमें ये कान वाली प्रॉब्लम ही नहीं होती, ये सही है। नहीं तो काफ़ी में क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो एक दो दिन तक चलता है, वो काफ़ी दर्द भी होता है उसमें। तो ये सही है, ये प्रोसेस चली गई नए प्लेन्स में, अभी ये प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। करंट स्पीड देख लो भाई साहब, 763 किलोमीटर पर आवर चल रही है अभी अपनी फ्लाइट, और अभी धीरे धीरे इनक्रीज ही हो रही है, देखते हैं टॉप स्पीड कितनी जाती है इसकी। तो भाई ये अभी बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, एक तो सुबह उठे हुए हैं, आधी रात में सोए हैं, और मतलब रात भर सो भी नहीं पाए ढंग से, जरा बहुत सोए हैं, मुश्किल से 2-3 घंटे पूरी रात में, उससे पहले ट्रेन जर्नी करके आए हैं एक काफ़ी लंबी, तो काफ़ी थकान भी हुई पड़ी थी। 3 घंटे इस फ्लाइट में बैठे बैठे हो गए, तो अभी एक चाय ले ली है इसी फ्लाइट में, ये हमने अलग से खरीदी है। वैसे चाय आपको बता दें इसमें 150 रुपये की मिलेगी, और आपको जो जो फ्लेवर चाहिए, जैसे कि मसाला वाला भी अवेलेबल है, ये जिंजर वाला हमने लिया है अपना फेवरेट, और ये पैकेट है जिंजर वाला, तो ये इस तरीके का पैकेट है भाई, जैसे ट्रेन में मिलता है, लेकिन इसमें और उसमें बहुत अंतर है। किस चीज़ में, प्राइस में, वो 20 रुपये का मिलता है, उस पर MRP भी 20 होती है। अभी हमने इस पर MRP चेक करी है, ये 150 रुपये इस पर MRP डली है। ये क्या है कि एयरलाइंस वाले जो है ना, जो भी एयरलाइंस हैं, ये सब जो भी प्रोवाइड करती हैं सब कस्टमाइज रखते हैं, तो इस पर प्रिंट भी अपने हिसाब से करके रखते हैं। वैसे पहले शायद 100 रुपये ही मिलती थी चाय कॉफ़ी फ्लाइट्स में, लेकिन अभी 150 कर दिया है। ठीक है, टेस्ट किया हमने, ठीक है टेस्ट, लेकिन इन्होंने पानी थोड़ा ज़्यादा कर दिया, देख लो एक तो कप वैसे ही बड़ा है, ऊपर से पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसमें, थोड़ा सा पानी कभी भी आप, वैसे हम ट्रेन में तो बताते हैं आधा कप रखो तो बढ़िया बनता है, ये वाला पैकेट क्या है कि इसमें भी आधा कप रखेंगे ना तो बढ़िया चाय बनेगी, लेकिन अभी पानी ज़्यादा हो गया है तो आधा तो मज़ा ख़राब हो गया है इसमें। वैसे ट्रेन जर्नी में चाय पीने का अपना अलग मज़ा है, और इतनी ऊँचाई पे, लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर चाय पीने का 733 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ये भी अलग ही मज़ा है। अभी देखो स्पीड जो है अपनी थोड़ी सी कम हो गई है, 730 के आसपास चल रही है भाई। अभी चाय वाय तो सब हो गई मस्त, अभी आए हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम देख लो ये अपना, वैसे वॉशरूम जो है ऑलमोस्ट सभी के सेम होते हैं, थोड़ा बहुत इंटीरियर में अंतर होता है, बाकी तो सब सेम है, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा वॉशरूम होता है। और ये देख लो भाई हमारी इन्फिनिटी इमेजेस दिख रही होंगी वहाँ पे, लाइन से दिख रहे हैं हम, इन्फिनिटी है भाई, कितने भी हो सकते हैं ये कोई गिन नहीं सकता। देखो ये कैसे दिख रहे हैं, देखो लाइन से, पता नहीं कितने हम हैं, बहुत सारे हैं। चलो अब जो कार्यक्रम करने आए हैं हम वो निपटाते हैं, फिर जा रहे हैं वापस अपनी सीट पर। वैसे अभी तक इतनी बार फ्लाइट में जर्नी कर चुके हैं, अभी तक हमने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो इसमें फ़्लाइट में, तो यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट कहाँ पर होता है आसपास, तो यहाँ पे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो भी हम दिखाते हैं कहाँ पर है। वैसे USB डायरेक्ट लगा सकते हो आप, USB A Type जो होता है ना, वो सॉकेट इसमें अवेलेबल है, दिखाते हैं है कहाँ पर, अगर आप कभी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ कहीं भी आप देखोगे, यहाँ कहीं भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है, अगल बगल में कहीं भी देखोगे नहीं है। तो चार्जिंग सॉकेट मिलेगा आपको यहाँ पर सीट के नीचे की साइड में, देख रहे हो ये है USB Type A आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, तो यहाँ पर लगा के आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, ये फैसिलिटी है भाई यहाँ पर। अंडर द सीट्स नीचे की साइड में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पर USB का ऑप्शन दिया हुआ है। गूगल मैप पे अभी हम देख रहे थे, तो भाई अभी अपन भोपाल भी निकल गए हैं, गुना के आसपास हैं, और मतलब MP में ही चल रहे हैं, गुना शिवपुरी मतलब सीधे सीधे ऐसे ग्वालियर पहुंचेंगे, बस थोड़ा सा और टाइम है, मुश्किल से आधा घंटा हमारे ख्याल से लगेगा,
पहुंच जाएंगे उसके बाद हम लोग ग्वालियर। भाई साहब एकदम काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए, क्लाउड्स आ गए, इसलिए अभी अनाउंसमेंट हुई है कि फटाफट सीट बेल्ट लगाओ। प्लेन भी अपना अब थोड़ा ज़्यादा ही वाइब्रेट करने लग गया है, इसी वजह से झटके लग रहे हैं अभी थोड़े थोड़े। नमस्कार, कुछ देर में हम लैंड करने जा रहे हैं। हमने आशा है कि आपकी उड़ान आनंदायक रही होगी। अतिथियों से निकलने के बाद भी काफी लोचा है। अपनी खुशी से निकलने खुशी भी इसकी बात रही। ट्रेन टेबल बंद कर लें, विंडो शीट को खुला रखें। आपसे निवेदन है कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ बंद कर दें या रिमोट में कर दें। इस समय शौचालय का ब्रेक बंद है। धन्यवाद भाई साहब। अब जब लैंडिंग का टाइम आ गया तब अपने प्लेन ने क्रॉस किया 800 किलोमीटर पर आवर। अभी 837 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है अपना प्लेन। देखो एकदम बादलों के बीच में से अब हम लोग नीचे की साइड जा रहे हैं। पूरा वाइट हो गया, पूरा धुंधला हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है। एकदम बादलों में घुस गया अभी अपना प्लेन। कुछ ही देर में हम लोग लैंड करने वाले हैं ग्वालियर में, बट ग्वालियर की लैंडिंग हम आपको क्लियर उतना ढंग से नहीं दिखा सकते क्योंकि भाई ग्वालियर का जो एयरपोर्ट है ना, ये डिफेंस का एयरपोर्ट है, आर्मी का एयरपोर्ट है, तो इस वजह से वहाँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रिकॉर्डिंग करना भी ठीक नहीं होता है, इसलिए वहाँ का रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत ही दिखा देंगे आपको, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बाकी अभी हमने बोला था जब हैदराबाद हम लोग लैंड कर रहे थे तब कान में कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो अकासा एयर में ट्रैवल किया था कुछ टाइम पहले अगरतला, उसमें भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी पता नहीं एकदम से कान में भी होने लग गया है। अभी हम तारीफ़ कर रहे थे इसी चीज़ की और वही चीज़ हो गई अभी ग्वालियर लैंड होने से पहले, एकदम कान बंद हो गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आ रही है आवाज़ वगैरह। समझ लो 5 मिनट में और 5-6 मिनट में हम लोग लैंड हो जाएंगे। भाई बिल्कुल अभी हम लोग टच करने वाले हैं ग्राउंड को और ये लैंडिंग हो गई है अपनी। वो स्पीड देखो किस हिसाब से डिक्रीज होगी। लगभग 225 की स्पीड से 225-250 की स्पीड थी जब हम लोगों ने ग्राउंड टच किया, एकदम डिक्रीज हुई। अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे 10 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन ग्वालियर। चलो अभी फटाफट बाहर निकलते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत कर रही है। सो भाई अभी ग्वालियर एयरपोर्ट पहुँचे हैं और यहाँ पर एरो ब्रिज लगा रखा है, जबकि इतना छोटा सा एयरपोर्ट है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर एरो ब्रिज कनेक्ट कर रखा था। सही है, पैदल यात्रा वाला सीन नहीं रहा यहाँ पे। वैसे भी एयरपोर्ट पे आ गए हैं और अभी हमने आपको दिखाया एरो ब्रिज वगैरह कनेक्ट किया हुआ था अपनी फ्लाइट से। लास्ट टाइम आए थे तब ऐसा नहीं था, मतलब 1 साल हो गया, अप्रैल में ही आए थे पिछले साल, है ना, तब हमको जाना था कोलकाता, तो यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से कोलकाता गए थे, तब फ्लाइट ली थी, तब यहाँ पर जो है ना काम चल रहा था पूरा। ये जो स्टेशन है ना, इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसको डेवलप किया जा रहा था, अभी देख रहे हैं तो पूरा बन गया। चलो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, उसके बाद जाके बेल्ट से अपना लगेज भी कलेक्ट करता है। तो अभी बस यहाँ से हम लोग आए हैं और ये देखो भाई ग्वालियर का एयरपोर्ट पूरा अभी बन गया। कुछ कुछ चीज़ों का कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा है, और भी चीज़ें अभी यहाँ पर बन रही हैं अंदर की साइड भी, तो धीरे धीरे पूरा डेवलप हो जाएगा। ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, अभी तक ये सब कुछ भी नहीं था, ये पिछले 1 साल में ही पूरा ये डेवलप हुआ है। चलो भाई फाइनली बहुत देर इंतज़ार किया और अपना लगेज आ गया।
सो फाइनली अपना लगेज ले लिया, बेल्ट नंबर 2 पर आ रहा था, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली मिल गया है। बाकी ये जर्नी का एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो जर्नी एक्सपीरियंस ओवरऑल सही रहा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ पहले ही हमारी यात्रा थी, वो पहला एक्सपीरियंस सही रहा। मतलब बस वही था कि थोड़ा सा लेट हो गई फ़्लाइट, टाइम से होना चाहिए यार। एटलीस्ट फ्लाइट में तो हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑन टाइम होनी चाहिए, इसमें तो डिले नहीं होना चाहिए यार। वही चीज़ है ना, मतलब जितना बेंगलोर से यहाँ का राजधानी का दिल्ली का लगता है लगभग उतना अपन लोग फेयर दे के फ्लाइट में आए हैं, है ना। बस वही है कि टाइम बहुत ज़्यादा बचा, वो लेती है कम से कम शायद 37-38 घंटे लेती है और यहाँ 3 घंटे की ही फ़्लाइट थी। चलो बाकी आपको कैसा लगा है ये ब्लॉग, थोड़ा डिफरेंट हो गया। वैसे ट्रेन जर्नीज तो रेगुलर आती हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन बीच बीच में यार थोड़ा सा चेंज भी ज़रूरी है और हमको ट्रैवल करना ही था, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर किया जाए और सारी नॉलेज दी जाए, ताकि कभी भी आपका कोई एक्सपीरियंस रहने वाला है अगर एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ तो आपको चीज़ें पता हो। बाकी आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट्स जरूर बताना, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ वो भी कमेंट्स जरूर बताना। इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी यहाँ पर है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट जर्नी है आपसे मिस नहीं हो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पर देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तो अगली टाटा बाय बाय। वैसे अभी हमने यहाँ पर स्टाफ से पूछा है तो उन्होंने बताया है कि ये जो एयरपोर्ट है अभी लास्ट ईयर तक तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट इसी साल अभी अप्रैल में 2 अप्रैल को ही इनॉग्रेट किया गया है, ओपन किया गया है और बना भी ज़बरदस्त है। तो जो लोग भी ग्वालियर से देख रहे हैं कमेंट्स बताना आपको कैसा लगा है ये एयरपोर्ट, और आप कब ट्रैवल करने वाले हो इस एयरपोर्ट से।